फिर भी दुनिया वालों ने क्या करे? परिया जी बैठे हैं और आपकी विधा से ये कीर्तन विधा बिल्कुल अलग है। भैया आप उन बारियों को बारीकियों को समझते हैं लेकिन हम में वो क्षमता नहीं कि उन बारीकियों को समझे। तो कहना है क्या बेटे? गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या क्या गाया? ओ भोले साथिया भगवान जी धनुष उठाओ प्रभु। हेलो 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 जी हेलो 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 बढ़ा दे जितना हो आपके पास जितना हो बढ़ा दीजिए। हेलो 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 बाकी देखते रहिए। हाँ देखते रहिए भाजा। अब देखिए सभी से निवेदन की गीत को सुनिएगा। भगवान कन्हैया को बुलावा भेजा मामा कंस ने। और देखिए भगवान कन्हैया जब लेकर आए देखिए जब कोई भनेज अपने मामा के यहाँ आता है
तो उसका नाना प्रकार से स्वागत होता है। लेकिन कंस ने कैसा स्वागत किया, क्योंकि वो जान रहा है कि कन्हैया मेरा काल है। तो देखिए, ना चाय ना पानी ना नाश्ता, कुछ भी नहीं, पहले से व्यवस्था बना ली उसने। तो कहना पड़ा, जो ही बुलावा भेजा बैठे। कोई आए और हम लोग बंदूक लेकर खड़े आ जाए, उसके सीने में लगा दे, क्या स्वागत सम्मान है। लेकिन कहना है, क्रूर लेकर आए क्रूर कंसा सुर के काल को, हाँ काल को। कि सूर वीर मशहूर जहां मुष्टक और चारूर, जो उसके खास मित्र हैं कंस के, उसने तैनात कर दिया है कि कन्हैया जैसे ही आए उनको दबोच लिया जाए। देखिए, वो माया जाल फैला रहा है ना बहन ज्योति जी, कि सूर वीर मशहूर जहां में मुष्टक और चारूर अखाड़ा सजे गया है। सजा दिया गया, और हमारे जब कोई युद्ध होता है तो उसमें ध्वनि बजती, कहीं संघ की ध्वनि बजती है तो कहीं जैसा जिसका चलन होता है। तो कहना पड़ा, कि सूर वीर मशहूर जहां में मुष्टक और चारूर अखाड़ा सजे गया है। आप लड़ोगे और देखिए वो ध्वनि भी बजा दी गई। अब स्वीकार हो तो स्वीकार करिए, और ना स्वीकार हो तो भी स्वीकार करिए। कि सूर वीर मशहूर जहां में पुस्तक और चारूर अखाड़ा सजे गया है। ज्योति जी, क्योंकि आपके सामने ये कोई कठिन बात नहीं है, दादा राजकमल जी लिख रहे हैं। जय हो महाराज, धर्मराज यज्ञ करने लगे तो कन्हैया ने कहा एक अड़चन है आपके यज्ञ में, और जब तक वो यज्ञ संभव नहीं, जब तक जरासंध इस धरती पर है, तो कहना क्या?
जरासंध के जीते जी पहले वालों ने जब
पहलवानों में जब कोई कर पाए ना उसका सामना, उसका सामना भीम काए महाबली से भीम हुए मजबूर। कहना बड़ा कि भीम काए महाबली भीम से लड़ने को मजबूर। अखाड़ा सज गया, और बेटा कि मन हर जी कि मन हर है जी मूत बली का। और ये सुनील भैया क्षमा कीजिएगा, ये गीत कोई ऐसी कलम से नहीं निकला है जो बड़ी ही अपने आप में कोई साहित्य से धनी हो। ये मेरे बड़े भ्राता भैया श्री अश्विनी पाठक जी का लिखा हुआ गीत है। क्या बात है? जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा बड़े भैया मैं गाऊंगी इसको, तो उन्होंने दे दिया। तो कहना है क्या? कुछ भी पंक्ति आप लोगों को अच्छी लगे तो मैं चाहूंगी आप लोग आशीर्वाद जरूर दीजिएगा तालियों से। तो कहना क्या बड़े? कि मन हर है जी मूत बली सा, मन हर है जी मूत बली का, होने को मत चूर नगाड़ा बज गया है। लेकिन उसको मजबूरन करना पड़ रहा है। तो कहना पड़ा क्या ज्योति जी, हालांकि क्षमा चाहती हूँ, बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, लेकिन हम दोनों बहनों को जब बुला दिया, और कोई बड़ा या छोटा नहीं है, जो हरि कीर्तन गाता है वो सब बराबर हैं। तो कहना है क्या बड़े? कि कीर्तन के मंच पर हम प्रयास करेंगे भरपूर, नगाड़ा बजे गया है। चार पंक्तियां भेंट कर रहा हूं कि करें वर्षों तपस्या साधना तब राम मिलते हैं, करें वर्षों तपस्या साधना तब राम मिलते हैं, हो संचित पुण्य पूरब के तभी सुख धाम मिलते हैं। श्रद्धा विश्वास से गुरुदेव का जो ध्यान करते हैं, श्रद्धा विश्वास से गुरुदेव का जो ध्यान करते हैं, तो कृपा गुरुदेव की होती तो बागेश्वर धाम मिलते हैं। कृपा गुरुदेव की होती तो बागेश्वर धाम मिलते हैं। ये जानकारी हुई तो एक चार पंक्तियां महाराज श्री के चरणों में भेंट कर रहा हूं। जहां भी हैं आप मेरी ये भेंट स्वीकार करें कि नहीं है ज्ञान कुछ मुझ, नहीं है ज्ञान कुछ मुझको पये शुभ काम करता हूं। भैया पटेलिया जी, भैया देवेंद्र तिवारी जी, आप जितने भी गुरुदेव के भक्त हैं सभी से आग्रह करता हूं कि सुने इन पंक्तियों को। नहीं है ज्ञान कुछ मुझको पये शुभ काम करता हूं। जो व्यक्ति काम करता है कोई ना कोई आशा जरूर रखता है, लेकिन नहीं है ज्ञान कुछ मुझको
पहिए शुभ काम करता हूँ। महाराज जी ने कहा लिख के दे दे। अच्छा अच्छा ठीक 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 महाराज जी ये पंक्तियां आपके श्री चरणों में। नहीं है ज्ञान कुछ मुझको पहिए शुभ काम करता हूँ, आज करता हूँ जो भी मैं सभी निष्काम करता हूँ। आप सुख दे चाहे दुख दे सभी स्वीकार है मुझको, आप सुख दे चाहे दुख दे सभी स्वीकार है मुझको। आज से अपना ये जीवन मैं गुरु के नाम करता हूँ, आज से अपना यह जीवन मैं गुरु के नाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी की तालियों के लिए। महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ और दोनों मंडलों को साधुवाद देता हूँ कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जहाँ महाराज जी की कथा का ये साप्ताहिक महायज्ञ चल रहा है वहाँ आपका पदार्पण और साथ ही साथ महाराज जी के दर्शन आपको प्राप्त हुए। आपके निश्चित रूप से कोई ना कोई पुण्य रहे होंगे। साधुवाद है। सुंदर गीत आया आदरणीय ज्योति कमल जी की ओर से, उसका यथाशक्ति आपने जवाब भी दिया और अपनी ओर से गीत भेंट किया। सवालिया गीत नगाड़ा बज गया अखाड़ा सज गया। चलिए अब अखाड़ा सज गया नगाड़ा बज गया तो अब देखते कि अखाड़े में आए और आदरणीय ज्योति कमल जी को मैं आवाज देता हूं बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय ज्योति कमल बाराबंकी। धन्यवाद। हेलो सुना बेटे सुना। बहुत बढ़िया। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। बोलिए सच्ची सरकार की जय। हमारा परम सौभाग्य है कि आज महाराज जी का सानिध्य मिला। आपका ये जीवन धन्य धन्य हो गया क्योंकि ऐसे युग पुरुष कभी कभी ही जन्म लिया करते हैं। हेलो हेलो। मैं महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम कर रही हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। जय हो गुरुदेव की जय हो। कि महाराज जी कृपा हम बच्चों पर भी बनाए रहे। आपका हेलो। ये कम है भैया इसको बढ़ाएं। हेलो 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 हेलो। क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भैया। वाह श्री धनुर्धारी। देखिए कितना प्यारा नाम है। आपका और उतना प्यारा काम भी है। आपका आप हम दो पार्टियां तो हैं ही। हाँ। तीसरी पार्टी के रूप में आप हैं और ये समझ लीजिए कि आपके दम से हमारे अंदर दम है। वाह भैया बनाए रखे बढ़िया है ठीक। वाह वाह धनुर्धारी भैया जब तक जिएंगे तुमको याद करते रहेंगे, मर भी गए तो खुदा की कसम यमराज के मोबाइल से बात करते रहेंगे। तो सुना अभी आप लोगों ने। हाँ? बड़ी बहन नीलम विश्वकर्मा जी को आपका बहुत ही सुंदर जवाब कोई दो राय नहीं लेकिन आप बड़ी आपका दीदी है। दीदी की इज्जत करो बेटे। मन मंदिर में रमिए सिया लखन संग राम जी। फिर okay. के मन मंदिर में रमिए लक्ष्मण के संग राम जी। शाबाश बेटे। मेरे गीत में तीन पात्र थे। हाँ? सर्वभंग ऋषि जी,
बाबरी जी और सती जी, वाह तीनों एक रास औका। और पहले अंतरे में तन, दूसरे में मन और तीसरे में धन। तन मन धन, ये बात थी उसमें औका, यही तो अंदर की बात। शाबाश बेटे शाबाश। लेकिन दीदी बढ़िया जवाब रहा औका, कोई दो राय नहीं है। ना आपने कहा कि योग की अग्नि में महाराज दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए, ना ना मेरे मन में एक शंका है औका मिटाइए। है राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर विरहि, राव गयो सुरधाम। पुत्र विरह में महाराज दशरथ जी ने अपने प्राण त्यागे, ना कि योग अग्नि में। ना ये बात है बेटे शाबाश, बहुत सुंदर बेटे। पुत्र वियोग में उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। वाह कितनी ज्ञानी बिटिया हो, बहुत बढ़िया। ये मेरे मन में शंका थी, वाह इसलिए मैंने आपसे कह दिया। क्या ज्ञान हो सकता है, कहीं से निकल गई हो दिमाग से बात। वाह का चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। एक गीत आपकी ओर से बड़ा बढ़िया आया है, कौन सा बेटे बोलो। कि ओ सोहने जोगिया महोबा सरपंच जी, आपकी ओर से ये भैया कहां सीटी कहां से दे रहा हाँ। 101 पद मुद्राएं आपकी ओर से आई हैं, आपने लिखा है नगाड़े कान तो होना जरूरी है। औका अब बिगुल बच चुका है, बिल्कुल बड़ी बढ़िया बात आपने बताई। हेलो 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 हेलो, इसकी आवाज कम हो जा रही बार बार सब आवाज। हेलो बढ़िया सेटिंग है, लेकिन एक बार देख लें आप, मेरी तरफ से प्रयास कर रही हूँ बड़ी बहन, प्रयास सुनिए। कौन सा बड़े कौन सा उतना बन जाए, आशीर्वाद चाहूंगी आप सभी से। अखाड़ा शुरू कहाँ से हुआ, देखिए तो बात है कहाँ से बेटा कहाँ से, हाँ जल्दी बताइए। जिस समय
पूतना आई भगवान कन्हैया के पास तो देखिए हुआ क्या क्या हुआ बने क्या हुआ के बिना जो बुलाए आई ओ के धीर वीर यदु वीर बाल को लगी पिलाने छीर वाह दुग्ध पान कराने लगी उतना तो जे जे के धीर वीर यदु वीर बाल को लगी पिलाने छीर अखाड़ा हो गया है वहाँ अखाड़े की जरूरत तो नहीं थी बिना अखाड़े के अखाड़ा सज रहा है यही तो है गुरु कमल वाह बहुत अच्छे के पीर हरण के धीर वीर यदु वीर पाल को लगी पिलाने छीर अखाड़ा हो गया है अखाड़ा हो आप मुझे डांट भी सकती हैं, आप मुझे मार भी सकती हैं। बिल्कुल बेटे, ना मारना नहीं देंगे। आपको अधिकार है। लेकिन सुनेगा, मुष्टिक और चारूर से पहले कुबलिया पीड़ हाथी मिला। वाह, कैसे? दरवाजे पर हाथी मिला। मुष्टिक और चारूर की बात आपने की है, लेकिन उससे और जब मिला तो के स्वागत में हाथी मिला वाह
वाह बेटे। वीर का स्वागत स्वीकार